Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सुपरस्टार महेश बाबू सर की न्यू मूवी सारे ले रो निके पारू के एडवांस बुकिंग के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इंटरेस्टेड पीपल के बारे में, स्क्रीन काउंट के बारे में, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए, हैदराबाद इसका मेन सिटी रहने वाली है और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में सारे ले रो निके पारू मूवी को रिलीज़ किया जाना है। और देखना है कि अब हैदराबाद में किस तरह से इस मूवी की एडवांस बुकिंग चली है, इंटरेस्टेड पीपल कितने हैं। पहले आप देख सकते हैं कि यूएई में यूएस से सर्टिफिकेट मिला है और 11 जनवरी 2020 को इस मूवी को रिलीज़ किया जाना है। 2 आवर्स 49 मिनट की ये मूवी होने वाली है। इसे तेलुगु में ऑफिशियली रिलीज़ किया जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1,48,998 पीपल इस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड है बुक माई शो पर। और मुझे लगता है कि जब तक 11 तारीख आएगी तब तक ये जो आंकड़ा है ये अराउंड 2 लाख के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि आज रात तक ही ये आंकड़ा मुझे लगता है 1,60,000 क्रॉस कर जाएगा। कल तक हो सकता है 1,70,000 और 10 तारीख तक 1,80,000 से 1,85,000। और हो सकता है कहीं ना कहीं जब ये मूवी रिलीज़ हो तो ये 2 लाख के काफ़ी करीब पहुंच जाए। स्टार कास्ट की बात करूं तो जैसा मैंने कहा, महेश बाबू मेन लीडिंग रोल में है, रश्मिका है और भी बड़े बड़े स्टार कास्ट हैं, और अनिल रविपुरी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। अगर बात करूँ इस मूवी के बुक माई शो के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स की, तो आप देख सकते हैं हाउसफुल है। ये जितने भी आपको शोज दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे फुल हैं, हाउसफुल आप इन्हें कह सकते हैं। ये भी हाउसफुल है, ये भी हाउसफुल है, यहाँ पे ये फास्ट फिलिंग है, ये हाउसफुल, ये फास्ट फिलिंग, हाउसफुल 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 फास्ट फिलिंग, हाउसफुल 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 फास्ट फिलिंग हाउसफुल। यानी कि अराउंड 50% शोज हाउसफुल हो चुके हैं, 40% शोज हैं वो फास्ट फिलिंग है, और 10% से 20% शो जो है वो जल्दी जल्दी बुक होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टिकट प्राइस है 100 रुपीज़ का, यहाँ पे देख सकते हैं 70 रुपीज़ का, और ये जो थिएटर है ये लगभग 100% है। इसमें सिर्फ यहाँ पे सीट्स थोड़ी सी बची हैं, बाकी थिएटर बुक हो चुका है। चलिए थोड़ा और डाउन चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे शोज फास्ट बुक हो चुके हैं। ये देखते हैं 9:15 का ये शो है। अगर इस शो में हम देखें तो बुकिंग बहुत अच्छी है, टिकट प्राइस ज़्यादा नहीं है, 110 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, और ये थिएटर भी लगभग आप कह सकते हैं कि बुक हो चुका है 85%। थोड़ा और डाउन चलते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 9:30 का एक और शो है, इसमें भी हम बुकिंग देख लेते हैं। टिकट प्राइस है 110 रुपीज़, 90 रुपीज़, 40 रुपीज़ तक का भी टिकट प्राइस है, और लगभग 60% ये थिएटर भी बुक है। तो ये मेन कारण है, क्योंकि टिकट प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है तो लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं, और बहुत ज़बरदस्त अमाउंट में लोग जाते हैं। 130 रुपीज़ 110 रुपीज़ का टिकट प्राइस है। अगर बात करूँ बुकिंग की तो ये थिएटर 95% बुक हो चुका है, यानी कि हैदराबाद में ज़बरदस्त बुकिंग चली है। चलिए अब हम देख लेते हैं बेंगलुरु की भी, और साथ ही साथ मुंबई की और अदर जगह की भी देख लेते हैं। ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु में मुझे लगता है अच्छे खासे शोज सारे ले रो निके पारू मूवी को मिले होंगे, क्योंकि सुपरस्टार महेश बाबू के फैंस वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर बात करो बेंगलुरु को तो ये देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे शोज हैं, यहाँ पे फास्ट फिलिंग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें बुकिंग भी देख लेते हैं, कितने टिकट बुक हो चुके हैं, कितने लोगों ने टिकट बुक कर लिए हैं। लगभग 200 रुपीज़ और 150 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, और यहाँ पे 70% ये थिएटर बुक है। यहाँ पे देख लेते हैं 9:30 का ये टिकट है, इसमें भी हम बुकिंग देख लेते हैं कितनी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 300 रुपीज़ 250 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, और लगभग 95% ये थिएटर बुक हो चुका है। थोड़ा और डाउन चलते हैं तो ये शो है 9:30 का एक और शो है, इसमें भी देख लेते हैं बुकिंग कैसी चली है। ये भी अगर आप देखें तो लगभग 200 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, 150 रुपीज़ का, और ये भी थिएटर जो है 85% बुक हो चुका है। यानी कि बेंगलुरु में भी इस मूवी की जो बुकिंग चल रही है वो काबिल तारीफ़ है। अब आपको दर्शन करवा लेते हैं मुंबई के, क्या मुंबई में इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई है अभी तक या नहीं, क्योंकि मुंबई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बड़ी सिटी है। वैसे मुझे नहीं लगता अभी इस मूवी की बुकिंग
मुंबई में स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि इसे हिंदी में नहीं रिलीज़ किया जा रहा है। अगर हिंदी में रिलीज़ किया जाता तो ऑब्वियसली इस मूवी की जो बुकिंग है वो डेफिनेटली स्टार्ट होती मुंबई में भी। तो अगर हम सर्च मारें सारे लेरू निके वारू, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रही सारे लेरू निके वारू, महेश बाबू मेन लीडिंग रोल में। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि अभी बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी कोई भी बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है सारे लेरू निके वारू की। अगर बात करें मुंबई की, तो जब मुंबई में इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी तो उसकी भी मैं आपको डेफिनेटली रिपोर्ट्स दूंगा। वैसे अभी आपको क्या कहना है इन मूवी के बारे में? तो अगर हम बात करें नेक्स्ट सिटी की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आला वैकुंठा पुरामलो, जो कि स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की मूवी है। यहाँ पे दरबार मूवी है, जो कि सुपरस्टार रजनीकांत सर की मूवी है, क्योंकि ये दोनों भी सेम डे पे रिलीज़ होने वाली है। एक नज़र हम कोची में भी डाल लेते हैं। क्या कोची में, यानी कि केरला की सिटी कोची में भी क्या बुकिंग स्टार्ट हुई है सारे लेरू निके वारू की या नहीं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी शो नहीं कर रहा, लेकिन सर्च करके देखते हैं सारे लेरू निके वारू के बारे में। वैसे होनी तो चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी फैंस हैं, लेकिन अभी अभी तक जितना मुझे देखने को मिल रहा है, अभी केरला में भी इस मूवी की बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। चेन्नई में भी बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी जाती है सुपरस्टार महेश बाबू की। चलिए देख लेते हैं कि चेन्नई में किस कितनी शोज़ मिले हैं, कितनी अच्छी बुकिंग चल रही है। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे सारे के सारे शोज़ ये बुक है, फुल है, हाउसफुल है। ये फास्ट फिलिंग है, ये फास्ट फिलिंग है, फास्ट फिलिंग है, फास्ट फिलिंग है। तो यानी कि आप देख सकते हैं ये भी हाउसफुल शो है। हैदराबाद में बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग है, बेंगलुरु में बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग है, चेन्नई में बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फर्स्ट डे में सुनामी आने वाली है बॉक्स ऑफिस में। बॉक्स ऑफिस नए नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, यानी कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग इसे आप बुकिंग कह सकते हैं चेन्नई सिटी में। और थोड़ा और डाउन चलते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 11 PM के आसपास, यानी कि 10:50 का ये शो है। इसमें भी अगर हम बुकिंग देखें, एडवांस बुकिंग देखें, तो लगभग लगभग 202 रुपीज़, 63 रुपीज़, 63 रुपीज़, 102 रुपीज़ का टिकट प्राइस है। और ये थिएटर भी लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 90% बुक हो चुका है, यानी कि इतनी अच्छी एडवांस बुकिंग बहुत कम मूवीज़ की देखने को मिलती है। और जो कि सुपरस्टार महेश बाबू ने करके दिखाया है अपनी लेटेस्ट मूवी सारे लेरू निके वारू से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 202 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, लगभग लगभग 90% ये थिएटर भी बुक हो चुका है। तो यानी कि इतना तो श्योर है कि मूवी की एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी चली है। एक बार स्टार कास्ट पे आपको बता दूँ, सुपरस्टार महेश बाबू है, रश्मिका है, विजय शांति है, प्रकाश राज है। अगर बात करूँ डायरेक्टर की, तो अनिल रविपुड़ी ने मूवी को डायरेक्ट किया है, अनिल सुकराना ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, दिलराजू ने भी प्रोड्यूस किया है, यानी कि बहुत बड़े बड़े नाम मूवी के साथ जुड़े हैं। ये आप देख रहे होंगे सुपरस्टार महेश बाबू की सारे लेरू निके वारू का पोस्टर, और काफ़ी ज़बरदस्त पोस्टर बनाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 जनवरी को मूवी को रिलीज़ किया जाना है। और जो लेटेस्ट अपडेट पता चली है वो मैं आपको बता दूँ, सारे लेरू निके वारू रिलीजिंग इन अराउंड 100 स्क्रीन्स इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑल टाइम रिकॉर्ड है महेश बाबू की मूवी का, क्योंकि इससे पहले महेश बाबू की कोई भी मूवी इतने ग्रैंड वे में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में रिलीज़ नहीं हुई है। ऑन डे वन बिगेस्ट एवर रिलीज़ फॉर सुपरस्टार महेश बाबू, वन ऑफ द ऑल टाइम बिगेस्ट रिलीज़। और ऐसा नहीं है कि सुपरस्टार महेश बाबू की मूवी अभी तक कोई इतनी बड़ी रिलीज़ नहीं हुई है, हालांकि ये मूवी जो रिकॉर्ड बना रही है ये वन ऑफ द ऑल टाइम के हिसाब से भी है, यानी कि जितनी भी मूवीज़ अभी तक रिलीज़ हुई है उन टॉप 5 की लिस्ट में सारे लेरू निके वारू का नाम आता है, जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में इतने ज़्यादा थिएटर्स या इतने ज़्यादा स्क्रीन मूवी को मिलने वाली हैं। इनिशियल स्क्रीन लिस्ट एडवांस बुकिंग डिटेल विल अपडेट वेरी सुन, जल्दी आपको एक अपडेट कर दिया जाएगा स्क्रीन काउंट के बारे में। अब एक और जो लेटेस्ट अपडेट है वो है सारे लेरू निके वारू मूवी की टिकट को लेकर। 12,507 टिकट्स सोल्ड हो चुके हैं, और अभी जब तक आप ये वीडियो अपलोड हुई है तब तक शायद ये आंकड़ा 13,000 के आसपास भी पहुंच सकता है।
एवरेज टिकट प्राइस चला है $20 का, और अभी तक की अगर कलेक्शन की बात करूँ तो मूवी ने कलेक्शन कर लिया है 2,50,156 US डॉलर्स, और ये जो कलेक्शन है ये लगभग लगभग 124 लोकेशन से आया है। जैसा मैंने आपको कल भी कहा था कि मूवी के का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा चल रहा है और स्क्रीन काउंट भी मूवी को काफ़ी अच्छे मिले हैं। अगर इस मूवी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हिट होना है तो इसे 76 करोड़ का शेयर कलेक्शन करना होगा। अगर इस मूवी को वर्ल्ड वाइड में हिट होना है तो इसे 100 करोड़ का शेयर कलेक्शन करना होगा। और फर्स्ट डे की अगर ओपनिंग की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस में स्टॉर्म आने वाला है, बहुत तूफान आने वाला है। कहीं ना कहीं अगर 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन भी करती है शेयर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो मूवी के लिए एक सुपर्ब ओपनिंग होगी और वर्ल्ड वाइड में अराउंड 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। अब आपको क्या कहना है सारलेरू निकेबारू मूवी के बारे में, इसकी रिपोर्ट्स के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।